हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा चैप्टर वही क्लास टेंथ का जो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम इसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं। तो हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन देखेंगे, 1830 से 1848। इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे रिवॉल्यूशन एक साथ स्टार्ट हो गए थे। अब हमारा जो पूरा यूरोप था वो बहुत सारे एरियाज में, रीजन्स में डिवाइडेड था, है ना। है आज भी, इटली है, जर्मन है, सारे प्रोविंस हैं, ओमन एम्पायर था उस टाइम, आयरलैंड था, पोलैंड, ठीक है। आप इन सबको आराम से मैप में देख सकते हैं। उस टाइम तक जो रिवॉल्ट था वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास में, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, इन सब के अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था और ज़्यादा लोगों के अंदर एक्टिव नहीं था। बट 1830 में क्या हुआ, फ्रांस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज आया कि उन्होंने जो अपने राजा को पावर दे रखी थी ना, बारबन किंग्स को, जो वहाँ के कंजर्वेटिव ने सेट किया था, जो हमने पार्ट वन में पढ़ा था कि फिर से कंजर्वेटिव्स को ने क्या किया कि अपने राजा को बिठा दिया, बारबन किंग को। उसके बाद उसने मतलब थोड़ी सी परेशानी शुरू होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, 1830 में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रूल्स और रेगुलेशन होंगे, लेकिन एक राजा भी होगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम इन्होंने सेट किया और उसका हेड कौन था, लुइस फिलिप, यानी कि इनके राजा का नाम क्या था, लुइस फिलिप। अब फ्रांस में इतना चेंज आ गया, ठीक है, तो यूरोप में तो ऑब्वियसली पूरे यूरोप को ये इफेक्ट करने वाला था, जो कि इसने किया। इसके बाद क्या हुआ, ग्रीस में क्या हुआ, ग्रीस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। मतलब ग्रीस में, फ्रांस में ये सारी चीज़ें स्टार्ट तो हो गई थी, रिवॉल्यूशन तो स्टार्ट हो गया था, बट ग्रीक में जब सबसे पहले ये वॉर वाला, मतलब एक तरह से क्या हुआ कि रिवॉल्ट वाला सिचुएशन आया, वो 1821 में स्टार्ट हो गया। तो हम ग्रीक की स्टोरी देखते हैं थोड़ी सी, कि सबसे पहले क्या किया, 1821 में इन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया। इनके फ्रीडम स्ट्रगल की क्या इंपॉर्टेंस थी, जो वेस्टर्न यूरोप था ना, यानी कि जब आप यूरोप का मैप देखोगे तो जो इस साइड वाले यूरोप होगा, जो वेस्टर्न यूरोप है, इन्होंने ग्रीस को सपोर्ट किया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम इसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं। तो हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन देखेंगे, 1830 से 1848। इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे रिवॉल्यूशन एक साथ स्टार्ट हो गए थे। अब हमारा जो पूरा यूरोप था वो बहुत सारे एरियाज में, रीजन्स में डिवाइडेड था, है ना। है आज भी, इटली है, जर्मन है, सारे प्रोविंस हैं, ओमन एम्पायर था उस टाइम, आयरलैंड था, पोलैंड, ठीक है। आप इन सबको आराम से मैप में देख सकते हैं। उस टाइम तक जो रिवॉल्ट था वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास में, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, इन सब के अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था और ज़्यादा लोगों के अंदर एक्टिव नहीं था। बट 1830 में क्या हुआ, फ्रांस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज आया कि उन्होंने जो अपने राजा को पावर दे रखी थी ना, बारबन किंग्स को, जो वहाँ के कंजर्वेटिव ने सेट किया था, जो हमने पार्ट वन में पढ़ा था कि फिर से कंजर्वेटिव्स को ने क्या किया कि अपने राजा को बिठा दिया, बारबन किंग को। उसके बाद उसने मतलब थोड़ी सी परेशानी शुरू होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, 1830 में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रूल्स और रेगुलेशन होंगे, लेकिन एक राजा भी होगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम इन्होंने सेट किया और उसका हेड कौन था, लुइस फिलिप, यानी कि इनके राजा का नाम क्या था, लुइस फिलिप। अब फ्रांस में इतना चेंज आ गया, ठीक है, तो यूरोप में तो ऑब्वियसली पूरे यूरोप को ये इफेक्ट करने वाला था, जो कि इसने किया। इसके बाद क्या हुआ, ग्रीस में क्या हुआ, ग्रीस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। मतलब ग्रीस में, फ्रांस में ये सारी चीज़ें स्टार्ट तो हो गई थी, रिवॉल्यूशन तो स्टार्ट हो गया था, बट ग्रीक में जब सबसे पहले ये वॉर वाला, मतलब एक तरह से क्या हुआ कि रिवॉल्ट वाला सिचुएशन आया, वो 1821 में स्टार्ट हो गया। तो हम ग्रीक की स्टोरी देखते हैं थोड़ी सी, कि सबसे पहले क्या किया, 1821 में इन्होंने अपना फ्रीडम इनका फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। तो ग्रीक के लोगों को, यूरोप के जो वेस्ट पार्ट में लोग रहते थे ना, ग्रेट ब्रिटेन वाले इलाके में, उन लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, ठीक है। तो ग्रीक कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी, उन्हें लगता था कि ग्रीक कल्चर प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो इनका ग्रीक पे उस टाइम जो मुस्लिम एम्पायर था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ, खत्म करवाया गया। वहाँ के पोइट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। वन ऑफ द पोइट्स का नाम दे रखा है इन्होंने, लॉर्ड बायरन, जो कि एक पोइट थे जो मर गए, मतलब जिनकी डेथ हो गई थी वॉर के दौरान 1824 में, ठीक है। उसके बाद 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई। किस किस के बीच, ग्रेट पावर्स के बीच में और ओटोमन एम्पायर के बीच में। यानी कि ग्रेट पावर्स कौन, जो वेस्टर्न यूरोप ने जिन्हें सपोर्ट किया था। तो वेस्टर्न यूरोप तो इन्हें ग्रीक वालों को सपोर्ट करा था, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप और ओटोमन एम्पायर के बीच में एक ट्रीटी हुई, जिसके तहत क्या हुआ कि ग्रीस वाला जो एम्पायर था अब वो स्वतंत्र हो चुका था। तो अब यहाँ पे ऐसे क्या हुआ कि ग्रीक में क्या आ गई, अपना वो नेशन स्टेट वाली थ्योरी को इन्होंने आगे कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। अब क्या बात है हमारी, आगे चलते हैं।
ये सब हो गया। फिर रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग, नेशनल फीलिंग की रोमांटिक इमेजिनेशन करना, यानी कि बहुत ज़्यादा फीलिंगफुल जब हम किसी काम को बना देते हैं, फीलिंग्स ले आते हैं उसमें, लोगों को उससे अटैच करने लगते हैं इमोशनली, वो रोमांटिसाइजेशन हो जाता है उस चीज़ का, जब लोगों की इज्जत उसके प्रति बढ़ जाती है। ठीक है, तो कल्चर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस आइडिया में, पोइट्रीज, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, नेशन के जो एक सेंटिमेंट होते हैं ना, जो फीलिंग होती है, वो इन्होंने लेके आए ये लोग। ठीक है, और ये कहते थे, इनका मानना था कि ग्लोरिफिकेशन ना रीजन का और साइंस से ज़्यादा, यानी कि कुछ फैक्ट वगैरह का ग्लोरिफिकेशन ज़्यादा क्या होना चाहिए, हमारे हेरिटेज का, हमारी परंपराओं का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, जिससे लोग हमसे और ज़्यादा जुड़ेंगे। जैसे इन्होंने इस फोटो में क्या किया है, इसमें क्या ग्लोरिफिकेशन है, देखो म्यूजिक आर्ट वगैरह भी इसमें होता था, कि किस तरह से कौन लोग थे, मतलब ग्रीक के लोगों को तुर्क वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। अब क्या होता है, फीमेल से बहुत ज़्यादा इमोशन कनेक्ट होते हैं, ठीक है, लोग अपनी इज्जत मानते थे उन्हें, ठीक है, तो उन्होंने फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया है कि किस तरह से उन पे अत्याचार होता था, बच्चों पे कैसे अत्याचार होता था, जिससे लोगों में क्या करी जा सके, सिंपैथी को क्रिएट किया जा सके, तो ये सारे काम उन लोगों ने किए। उसके बाद एक नाम दे रखा है जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रिड हर्डर का, ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन्होंने कॉमन पीपल्स के बीच में जाके जो वहाँ के उनके अपने परंपरा वाली पोएम्स थी, डांस थे, पारंपरिक जो कल्चर था उनका, उन चीज़ों से लोगों को जोड़ा, उन लोगों की चीज़ों को कलेक्ट किया, ठीक है, जिससे लोग इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। और इनका मेन पर्पस और क्या था, कि जब वो लोगों के पास जाएंगे, लोगों की स्पिरिट को जानेंगे, लोगों के इंटरेस्ट को जानेंगे, तो जब बहुत ही अनपढ़ जनता है ना, भले ही वो अनपढ़ हो, ठीक है, तो वो बड़े बड़े मैसेज तो नहीं समझ सकती, लेकिन जब हम उन्हीं की फॉर्म में उन्हें समझाएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो इलिटरेट लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें ये सारी चीज़ें समझाने के लिए उन्होंने इस कल्चर का प्रयोग किया। अब यहाँ पे एक नाम आता है ग्रिम ब्रदर्स। ग्रिम ब्रदर्स दो भाई थे, फॉकटेल्स, और उन्होंने फॉकटेल्स को इकट्ठा किया और नेशन बिल्डिंग का काम किया। ठीक है, कैसे, बहुत ही फैमिलियर नेम होगा, मे बी आपने सुना हो ग्रिम्स फेयरी। तो ग्रिम्स फेयरी की जो स्टोरीज है, ये इन दोनों भाइयों ने 6 साल तक ट्रैवल करके अलग अलग गाँवों में तब उन्हें इकट्ठा करा। ठीक है, उन्होंने बाद में क्या करा, जर्मन लैंग्वेज की एक डिक्शनरी भी पब्लिश करी थी, जर्मन में, मतलब, ठीक है, इन्होंने फ्रांस डोमिनेशन को भी दिखाया था कि जर्मन कल्चर पे किस तरह से फ्रेंच वाले लोग हावी हो रहे हैं धीरे धीरे। जो ग्रेट पावर्स, हमने ऊपर बोला ना कि जर्मन और ग्रीक, इन सब में ग्रेट पावर्स का बहुत ज़्यादा रोल था, तो इन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरह से फ्रेंच ने हमारे जो लैंग्वेज है, हमारी जो चीज़ें, उन्हें डोमिनेट कर दिया। धीरे धीरे ये जो हमारी भाषा वगैरह थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। जैसे इन्होंने एक और नाम दिया है कारोल क्रुपिंस्की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल में जो इनका म्यूजिक था, जो डांस था, उसे इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि इन्होंने उसे नेशनल सिंबल बना दिया। ठीक है, नेशनल सिंबल कैसे, उनका जो कल्चरल डांस है वो क्या है, पोलोनेस और मजुर्का, इन्हें उन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया कि अब लोग इनसे प्यार करने लगे, कि इनसे, इन भाषाओं, इन डांस फॉर्म से, ठीक है, उसे कनेक्ट करने लगे कि हमारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लैंग्वेज ने भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले किया, अब रशिया का थोड़ा सा हमारे ऊपर क्या हो गया था, मतलब हमारे ऊपर मीन्स पोलिश लोगों के ऊपर, जो मतलब जर्मन के लोग थे, तो एक पोलैंड इलाके की बात हो रही है। पोलैंड इलाके को क्या हुआ था, रशिया ने घेर लिया था। ठीक है, अभी हम बाद में भी पढ़ेंगे कि पोलैंड 3 पार्ट में बट गया था, मतलब उसे 3 सत्ताओं ने घेर लिया था, तो उनमें से एक था रशिया। तो रशिया का जब ऑक्यूपेशन उसके ऊपर आ गया, तो फिर रशिया ने पोलैंड की भाषा को बोलने से भी मना कर दिया कि अब कोई पोलिश भाषा नहीं बोलेगा। ठीक है, तो फिर लोगों ने लैंग्वेज को वेपन की तरह अपनाना शुरू करा। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को मना करोगे वो तो ज़रूर ही करनी है, तो लोग जिनके अंदर ये रिवोल्ट आ जाता है वो तो ये लोग करते ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो चर्च में गैदरिंग्स होती थी, तो वहाँ के जो पादरी लोग होते थे, यानी कि जो वहाँ के क्या होते थे, प्रिस्ट होते थे, वो क्या करते थे, अपनी पोलिश भाषा में ही वो अपने प्रचार प्रसार करते थे, अपने जो आदेश थे, जो अपने आदर्श थे, जो अपनी स्पीचेस थी, जो अपनी स्पीचेस थी, वो सब पोलिश भाषा में ही देते थे। और इस चक्कर में उनमें से कईयों को जेल में भी जाना पड़ा। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे सिंबल बन गया किसका, स्ट्रगल का, कि हम लोग रशियन एम्पायर को नहीं मान रहे हैं, हम अपना वो लाएंगे, तो एक तरह से वो ये शो कर पाए। इसके बाद क्या हुआ है, हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट, इस वाले सेक्शन के बाद क्या हुआ, फ्रांस आज़ाद हो गया। तो फ्रांस की स्टोरी देखते हैं पूरा इसमें क्या है। ठीक है, तो फ्रांस की स्टोरी पे नज़र डालेंगे हम अपनी। ये देखो, हमने ये लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था इतना तो, कि एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था 1789 में स्टार्टिंग में, उसके बाद नेपोलियन की वॉर स्टार्ट हो गई थी, नेपोलियन ने अपना एक कोड ला दिया था 1804 में, उसके बाद नेपोलियन हारने लगा 1815 में, ट्रीटी ऑफ वेन्ना साइन कर ली लोगों ने, और फिर क्या करा, कंजर्वेटिव लोगों ने बारबन डायनेस्टी को सर पे बिठा लिया, मतलब क्या, उससे शासन दे दिया। लेकिन फिर हमने ये भी पढ़ लिया 1830 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट हुई, और लुईस फिलिप को क्या किया गया,
अब अपने सीट पे बिठा लिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे कैसे सिचुएशन आ गई कि अब यूरोप में क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और जब पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तब क्या होता है, तब होता है कि जॉब्स की कमी पड़ जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जॉब्स की कमी पड़ने लगी सारी चीज़ों की। ठीक है, अब जॉब्स ही नहीं है लोगों के पास। ठीक है, तो वो हंगरी, भूख हो गया, भूख लगने लगी लोगों को। इंग्लैंड में तो चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो मशीन आ गई थी, बाकी इलाकों में जैसे फ्रांस में तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगा लोगों के अंदर, कंपटीशन आने लगा। तो फिर उन्हें वर्कशॉप वगैरह में, जो लोग फ्रांस वगैरह में तो छोटी छोटी वर्कशॉप में ये भी काम करते थे, तो उनका सामान महंगा हो गया। ठीक है, और इंग्लैंड वालों का, फैक्ट्रियों वालों का सामान सस्ता होने लगा। तो अब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इस प्रॉब्लम को देखते हुए 1848 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट करी गई थी, लुईस फिलिप जो राजा था उसने अपने हाथ खड़े कर लिए कि भाई मेरे बस की तो है नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ पे इस सिचुएशन के बाद वहाँ पे रिपब्लिक सेट किया गया। 21 से बड़े आदमियों को, एज वाले लोगों को, सबको अपना वोटिंग राइट दिया गया, वर्कशॉप, एम्प्लॉयमेंट ये सब सेट करी गई। लेकिन इससे पहले, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन से पहले जो एक कंडीशन हुई थी वो हुई थी 1845 में। क्या हुआ 1845 में कि लोगों के पास ना प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। अब मैंने कहा ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब लेबर तो बहुत सारी, काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं। अब काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो तो फ़ायदा उठाएंगे, उनका सामान लेते थे उन्हें जॉब्स, या फिर कहीं पे भी अगर रखते तो बहुत कम पैसों में रखते थे। कितने कम पैसों में, बहुत ज़्यादा कम पैसों में, कि उन लोगों की पेमेंट बहुत ही मुश्किल होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, 1845 में लोगों में जोश चढ़ा, लोगों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। किसके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते थे, जिन्हें कुछ काम करने को दिया जाता था, और जो काम तो छोटे लोग ही करते थे, छोटे लोगों को मेहनत के कम पैसे देते थे। तो उन छोटे लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स पे धावा बोल दिया, इनकी रिवोल्ट शुरू कर दिया। उनकी जो मशीन, जो उनकी हवेली वगैरह थी उनके आसपास आ गए, सारी चकनाचूर कर दी उनकी विंडो पेन, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें, यानी कि अब लोग बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर फिर वो लोग, मतलब वहाँ से तब तो कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, उसके बाद 24 घंटे बाद उन्होंने क्या किया, आर्मी को लेके आए और अपने आप को सुरक्षित किया। ठीक है, उसके बाद 45 से के बाद क्या हुआ, 1848 में तो सब कुछ समाप्त हो गया था, यही देखो रिवोल्ट हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स का 1845 में, और 1848 में फाइनली फ्रांस रिपब्लिक हो गया। ठीक है, अब चलो फ्रांस की स्टोरी तो अच्छी खासी हो गई, हो गया वो रिपब्लिक, लेकिन सारी कंट्रीज तो नहीं हुई थी ना अभी तक रिपब्लिक। अब कौन कौन रह गया, जर्मनी रह गई, इटली रह गई, पोलैंड रह गया, ऑस्ट्रो हंगरी रह गया। आप देखोगे मैप में अपने, ठीक है, तो शायद ऊपर आपका मैप है, आप हमेशा वो मैप में देखोगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जर्मन, ये देखो फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर वाला जो एरिया था वो जर्मनी बना था, अभी तक ये जर्मनी बना नहीं है इस मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो बना था बाद में इटली, ये जो नीचे को टेल सी है ना वो इटली था, अभी इटली भी नहीं जुड़ा है इस मैप के अकॉर्डिंग, इटली को भी हमें जोड़ना बाकी है। पोलैंड का एरिया तो आपको दिख ही रहा है, वो रशियन एम्पायर के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो कैसे पोलैंड का एरिया हुआ था, हम ये सारी चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। क्या क्या चेंजेस आने लगे, अब जर्मन में, जर्मन वाले लोगों ने ठाने की अब हम अपना रिवोल्ट करेंगे, यानी कि हम अपने चेंजेस लाएंगे। तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट करी, 1848 से इनकी स्टार्टिंग हुई। देखो 1848 में कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई जर्मन वालों की, 1848 में एक सिटी में ये जुड़ गए, फ्रैंकफर्ट करके इनकी सिटी है। तो यहाँ के जो एक्टिव लोग थे इन्होंने कहा कि फ्रैंकफर्ट में हम अपनी खुद की पार्लियामेंट को क्या करेंगे, अपनी खुद की पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये लोग जुड़े, इन्होंने इलेक्शन करे और वहाँ पर क्या करा, अपनी खुद की पार्लियामेंट सेट कर ली। कहाँ गए वो अपनी खुद की पार्लियामेंट, कहीं बैठेंगे भी तो वो लोग, कहाँ बैठे, चर्च ऑफ सेंट पॉल, इस चर्च में उन्होंने पहले अपनी पार्लियामेंट लगाई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लेकिन ये पार्लियामेंट ज्यादा नहीं टिकी। क्यों नहीं टिकी, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट के लोग सेलेक्ट हुए थे, इसके बाद ये अपने राजा, जो पहले राजा था ना इनका, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम पार्लियामेंट बनाएंगे, मतलब हम पार्लियामेंट में तो होंगे, राजा आप ही बन जाओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो राजा नहीं बनूंगा, मतलब ये पार्लियामेंट के सुनने वाले नहीं थे, इन्होंने कहा मैं शासन करूंगा तो मैं ही करूंगा। तो फिर इस राजा ने, मतलब ये जो फ्रैंकफर्ट वाले लोग जिसके पास ऑफर लेके गए थे, उसने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, वो बाकी साम्राज्य वाले राजाओं के पास गया, मोनार्की, बाकी मोनार्कियल कंट्रीज के पास गया, उसने हेल्प मांगी कि भाई मेरे तो देश में इन्होंने ऐसे दगा कर दिया, कोई और साम्राज्य मेरी हेल्प करो। फिर क्या हुआ, उन साम्राज्य की सेनाओं ने क्या किया, इन इस पार्लियामेंट को गिरा दिया। अब साम्राज्य है तो भाई ज़्यादा ही पावर होगी उसकी। ठीक है, तो इस ये इन्होंने गिरा दिया। अब गिरा दिया तो दिक्कत तो होने ही वाली थी, लेकिन इन्होंने गिरा तो दिया, लेकिन इस बार जब ये सेट हुए ना, वापस पावर में आए, इस बार इतने ज़्यादा बड़े प्रेशर के साथ नहीं आए। अब धीरे धीरे ताकत तो कम होगी ना। ठीक है, तो इस बार तो जो आए इतने सारे ताकत के बाद,
के लोगों को तुर्क वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। अब क्या होता है, फीमेल से बहुत ज़्यादा इमोशन कनेक्ट होते हैं, ठीक है, लोग अपनी इज्जत मानते थे उन्हें, ठीक है, तो उन्होंने फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे वो रिपब्लिक, लेकिन सारी कंट्रीज़ तो नहीं हुई थी ना अभी तक रिपब्लिक। अब कौन कौन रह गया, जर्मनी रह गई, इटली रह गई, पोलैंड रह गया, ऑस्ट्रो हंगरी रह गया। आप देखोगे मैप में अपने, ठीक है, तो शायद ऊपर आपका मैप है, आप हमेशा वो मैप में देखोगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जर्मन, ये देखो फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर वाला जो एरिया था वो जर्मनी बना था, अभी तक ये जर्मनी बना नहीं है इस मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बना था बाद में। इटली, ये जो नीचे को टेल सी है ना वो इटली था, अभी इटली भी नहीं जुड़ा है इस मैप के अकॉर्डिंग, इटली को भी हमें जोड़ना बाकी है। पोलैंड का एरिया तो आपको दिख ही रहा है, वो रशियन एम्पायर के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, तो कैसे पोलैंड का एरिया हुआ था, हम ये सारी चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, क्या क्या चेंजेस आने लगे। अब जर्मन में, जर्मन वाले लोगों ने ठानी कि अब हम अपना रिवॉल्ट करेंगे, यानी कि हम अपने चेंजेस लाएंगे। तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट करी, 1848 से इनकी स्टार्टिंग हुई। देखो 1848 में कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई जर्मन वालों की, 1848 में एक सिटी में ये जुड़ गए, फ्रैंकफर्ट करके इनकी सिटी है। तो यहाँ के जो एक्टिव लोग थे इन्होंने कहा कि फ्रैंकफर्ट में हम अपनी खुद की पार्लियामेंट को क्या करेंगे, अपनी खुद की पार्लियामेंट को स्टैब्लिश करेंगे। तो ये लोग जुड़े, इन्होंने इलेक्शन करे और वहाँ पे क्या करा, अपनी खुद की पार्लियामेंट सेट कर ली। कहाँ गए वो अपनी खुद की पार्लियामेंट, कहीं बैठेंगे भी तो वो लोग कहाँ बैठे, चर्च ऑफ सेंट पॉल, इस चर्च में उन्होंने पहले अपनी पार्लियामेंट लगाई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन ये पार्लियामेंट ज़्यादा नहीं टिकी। क्यों नहीं टिकी, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट के लोग सेलेक्ट हुए थे, इसके बाद ये अपने राजा, जो पहले राजा था ना इनका, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम पार्लियामेंट बनाएंगे, मतलब हम पार्लियामेंट में तो होंगे, राजा आप ही बन जाओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो राजा नहीं बनूंगा, मतलब ये पार्लियामेंट के सुनने वाले नहीं थे, इन्होंने कहा मैं शासन करूंगा तो मैं ही करूंगा। तो फिर इस राजा ने, मतलब ये जो फ्रैंकफर्ट वाले लोग जिसके पास ऑफर लेके गए थे, उसने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, वो बाकी साम्राज्य वाले राजाओं के पास गया, मोनार्की, बाकी मोनार्कियल कंट्रीज के पास गया, उसने हेल्प मांगी कि भाई मेरे तो देश में इन्होंने ऐसे दगा कर दिया, कोई और साम्राज्य मेरी हेल्प करो। फिर क्या हुआ, उन साम्राज्य की सेनाओं ने क्या किया, इस पार्लियामेंट को गिरा दिया। अब साम्राज्य है तो भाई ज़्यादा ही पावर होगी उसकी, ठीक है, तो इन्होंने गिरा दिया। अब गिरा दिया तो दिक्कत तो होने ही वाली थी, लेकिन इन्होंने गिरा तो दिया, लेकिन इस बार जब ये सेट हुए ना, वापस पावर में आए, इस बार इतने ज़्यादा बड़े प्रेशर के साथ नहीं आए। अब धीरे धीरे ताकत तो कम होगी ना, ठीक है, तो इस बार तो प्रेशर के साथ नहीं आए। तो फिर इन्हें ये भी था कि लोग हमारे रूल को माने, अगर वो नहीं मानेंगे रूल को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इन्होंने थोड़ी सी फ्रीडम छोड़ी। अब इस बार जो कंजर्वेटिव लोग आए, जो राजा महाराजा आए, इस बार जो आए ना, इन्होंने थोड़ा सा ढील क्या छोड़ा कि जितनी भी बॉन्डेड लेबर थी, यानी कि दास बन के जिन लोगों को काम करना पड़ता था, उसे थोड़ा सा फ्री करा। हैसबर्ग के लोगों को, हैसबर्ग के रूलर्स ने क्या किया कि हंगरी के लोगों को थोड़ा सा फ्री किया। हंगरी क्या है, जर्मनी में ही एक सिटी मान लो, ठीक है, अब थोड़ा सा अलग थोड़ा कंट्री बनने वाला है, ठीक। तो क्या हुआ कि हंगरी के लोगों को इन्होंने थोड़ा सा फ्री किया, किसके, हैसबर्ग के साम्राज्य ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा फ्री बन गया, लेकिन अब इन्हें तो चाहिए थी भाई फ्री, बहुत ज़्यादा वाली फ्रीडम। तो जो प्रशा जो कंट्री थी, मतलब जो अब प्रशा जो एरिया था, कंट्री नहीं सॉरी, जो प्रशा जो एरिया था, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इस पार्लियामेंट को सपोर्ट किया था। फिर बाद में क्या किया, इस प्रशा की आर्मी ने ही जर्मनी को फ्रीडम दिलवाई, ठीक है। प्रशा की आर्मी ने फिर क्या करा, तीन वॉर करी, तीन लड़ाइयाँ करी, किस किस के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ। तो जर्मनी का जो वो पूरा लिखा गया, जो साम्राज्य है, मतलब जो उसका फ्यूचर लिखा गया, वो किसने लिखा, आर्मी ऑफिसर्स ने लिखा, क्योंकि तीन लड़ाइयाँ करी किसने, प्रशा के लोगों ने, प्रशा की सेना ने, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस से, ठीक है। 7 साल का ये पूरा युद्ध हुआ और उसके बाद 1871 में प्रशियन किंग जर्मनी को उसने लीड किया, प्रशियन किंग ने, जिसका नाम क्या था, विलियम फर्स्ट, ठीक है। और बहुत सारे क्या थे इनके साथ, और लोग भी थे जिन्होंने हेल्प करी, जैसे और जैसे कौन था, चीफ कमांडर जो थे पर्शियन आर्मी के, ठीक है, कैसर, बिस्मार्क, ये सारे लोग जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी इसकी। जो ओटोमन बिस्मार्क था वो चीफ मिनिस्टर था उस टाइम का यहाँ का पर्शियन आर्मी का, ठीक है, उसने पूरा आर्किटेक्ट किया प्रोसेस की क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, और उसके बाद फाइनली पर्शियन किंग जर्मन का एम्पायर बन गया 1871 में। तो अब जर्मनी को क्या मिल गई, जर्मनी भी अब यूनिफाइड हो गया। अब हमने धीरे धीरे इन सबको क्या कर लिया, यूनिफाई कर लिया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो चीज़ अभी बीच में लेफ्ट करी है अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए, तो बीच में है वुमेन्स की क्या हालत थी, ठीक है। तो इन्होंने एक फोटो दिया है जहाँ पे ये जो कोर्ट बैठी थी, ये जो इन्होंने कोर्ट बनाई थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बनी थी, सॉरी, ये जो पार्लियामेंट बनी थी, इसमें ऊपर ना यहाँ पे लेडीज थी,
लेडीज को कोई राइट नहीं दिया गया था, लेडीज को कभी कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। तो जो फीमेल थी उन्हें सिर्फ ऊपर एज अ वॉचर, यानी कि सिर्फ आप आओ और देखो चीजें, आपका कोई काम नहीं है, ऐसे उन्हें बिठाया गया था, ऐसे बिठा दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवॉल्ट किया, भाई हमें अधिकार दो, ये सारी चीजें करो, ठीक है। तो एक क्या हुआ, फिर इन वुमेन्स ने क्या किया, अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी कि पॉलिटिकल मीटिंग्स करने लगी, ये लोग भी अपने न्यूज़पेपर छापने लगी, अपने व्यूज सामने रखने लगी। तो वुमेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ गई थी। जैसे एक लिबरल पॉलिटिशियन थे कार्ल वेलकर, ठीक है, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक्सप्रेस करते हैं कि मैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। कार्ल वेलकर कौन है, एक लिबरल पॉलिटिशियन है, लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो जब स्पीच देते हैं तब क्या कहते हैं कि मैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैन को ज़्यादा फंक्शन करने होते हैं, मैन को हर तरह से, मतलब फैमिली का प्रोटेक्टर है मैन, तो हर तरह से मैन ही लीड करेगा। वुमेन क्या है, वो कमज़ोर है, ठीक है, उनका एरिया सिर्फ घर तक सीमित है, उन्हें सिर्फ बच्चों को पालना होता है, सिर्फ फैमिली का पालन पोषण करना होता है, ठीक है। जब इतना बड़ा चेंजेस भगवान ने खुद बनाए हैं तो हम अगर उसके खिलाफ कुछ करेंगे तो क्या, हमारी फैमिली की डिग्निटी खराब हो जाएगी, और साथ में जो भाई हारमनी की भावना है कि जो थोड़ा भी इमोशनल अटैचमेंट है, हारमनी होती है ना थोड़ी, मतलब थोड़ी प्यार भरी भावना, जो सब एक दूसरे की इज्जत करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो वाला जो भाईचारे वाला थोड़ा सिस्टम होता है, थोड़ा शांत वाला, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ठीक, लुइस ओटो पेट्रेस, जो कि वुमेन्स जर्नल थी, यानी कि वो क्या थी, न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट का काम करती थी, जो उनका खुद का उन्होंने फर्स्ट इशू किया था न्यूज़पेपर, उन्होंने अपना एक एडिटोरियल लिखा और उसमें क्या कहा, उन्होंने इसमें कहा कि ये जो लिबर्टी है, क्या मैन ऐसा कर सकते हैं कि लिबर्टी के लिए, सबकी लिबर्टी के लिए क्या करें, अपनी जान भी दांव पर लगा दें? तो बहुतों का आंसर हाँ होगा कि भाई हाँ, लिबर्टी के लिए तो हम अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। लेकिन उसने कहा कि पहले मेरा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है कि क्या सबकी लिबर्टी के लिए, लेकिन आप क्या काम कर रहे हो, आप तो सिर्फ ह्यूमैनिटी के आधे हिस्से की लिबर्टी के लिए काम कर रहे हो, ऐसे कैसे आप लोग लिबर्टी, मतलब फ्री रह सकते हो जब आप अनफ्री लोगों से सराउंडेड हो? अनफ्री कौन है, वुमेन अनफ्री है, ठीक है, तो आप कैसा फ्री मैन है ये जो अनफ्री लोगों से सराउंडेड रह सकता है, ठीक है। इसके काउंटर में एक ऐसे रीडर ने बाद में 25 जून 1850 को क्या किया, एक एक वो किया, मतलब अपना रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने सपोर्ट में ही बोला कि हाँ भाई, हम वुमेन को जब पॉलिटिकल राइट देने में क्यों कतराते हैं, जब हमने इन्हें राइट टू प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी का राइट है, वो उसे मतलब एक्सेस भी करती हैं उस राइट को, फिर हम मैन मतलब ऐसा क्यों कर, मतलब फिर ये मैन ऐसा क्यों करते हैं कि हम मतलब वुमेन्स को किसी भी तरह से क्या कर देते हैं कि अधिकार नहीं देते हैं, जबकि जो कैटल और हर्डो यानी कि गाय भैंस जैसी अकल के जानवरों जैसी अकल के जो वो होते हैं, मैन होते हैं, क्योंकि सिर्फ वो मैन है इसलिए हमने उन्हें अधिकार दिया। और अगर कोई वुमेन है और उनसे ज़्यादा काम कर रही है और उनसे ज़्यादा राइट रखती है, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप उसे अधिकार नहीं दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वुमेन है, ठीक है। तो ये सब वुमेन का रोल था। अगर कोई वुमेन का क्वेश्चन आए, वो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इनका रोल था, तो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर इन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह, पॉलिटिकल एसोसिएशन वगैरह जोड़ी, अपनी बातें रखनी शुरू करी, ठीक है, तो ये सारे काम होने लगे, ठीक। अब जर्मनी का कैसे बनी जर्मनी, हमने ये पूरा पढ़ लिया है अभी अपनी एक ही स्टोरी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये राजा आ गया जर्मन एम्पायर, ठीक है, जर्मन एम्पायर कौन आ गया था बाद में, 18 जनवरी 1871 में, ठीक है, कौन थे, केसर विलियम फर्स्ट को क्या बना दिया गया, जर्मन का एम्पायर बना दिया गया। उसके बाद जर्मन में बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, बैंकिंग, लीडर, लीगल, जुडिशियल चेंजेस हुए, यानी कि सारी करेंसी वगैरह को सुधारा गया, और बाद में जर्मनी एक इतना आइडियल स्टेट बना, यानी कि इतनी आइडियल कंडीशन हो गई जर्मनी की कि वो बाकी सबको लीड करने लगा कि मतलब ये वाला आइडिया बेस्ट है, हम इसको करेंगे। उसके बाद इटली में क्या हुआ, अब जर्मनी को हमने यूनिफाई कर दिया, अब हम क्या बात करेंगे इटली को। जरा इटली का मैप देखो आप, इटली का मैप देखो कि कितने सारी एरियाज में टूटा हुआ है, अभी तक एक ये बना नहीं है, ये टूटा हुआ है, 7 पार्ट में टूटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब हमने इटली को जोड़ा है तो ये ऐसा एक सा मतलब एक साथ हुआ है, ठीक है, 7 पार्ट में कैसे जुड़ा हुआ था, और इटली का सिर्फ एक पार्ट ही ऐसा था इन 7 में से जो कि किसके अंडर था, रियल इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर था, बाकी सब बाकी सारे साम्राज्यों ने घेर रखे थे। अब किसने क्या क्या कैसे कैसे घेर रखा था, वो स्टोरी हम इनकी इटली वालों की देखते हैं। तो इटली 7 स्टेट्स में क्या था, 7 स्टेट्स में ये डिवाइडेड था। इसका सिर्फ एक एरिया जो था सार्डिनिया पेडमोंट वाला एरिया, वो इटालियन प्रिंसली हाउस के पास था। उसके अलावा क्या था, सेंटर तो पोप ने घेर रखा था। पोप कौन होते थे, एक पर्टिकुलर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं चर्च के, जो वो होते हैं फादर, उनमें से, उसके बाद उनका एक फॉर्म मतलब उनकी तरह ही होते थे पोप भी, ठीक है, बट वो थोड़ा सा क्या होते थे, राजा से बहुत ज़्यादा लिंक होते थे और ऐसी काम भी करते थे, यानी कि लीड वगैरह करते थे आराम से राज्य को, ठीक है, शासन करते थे, ठीक है।
और सेंटर को तो पोप ने घेर लिया और नॉर्थ वाले पार्ट को ऑस्ट्रेलियन हैसबर्ग ने घेर लिया, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को कौन लीड करता था? बार्बन किंग स्पेन के। तो पूरे इटली को कोई ना कोई लीड करता था और सिर्फ एक पार्ट को कौन लीड करते थे? ये लोग सार्डियन पेडमोंट। अब ये चार ऐसे रोल मॉडल कह लूं जिन्होंने इस इटली को यूनिफाई करा, कैसे? जो पहले हैं जोसेफ मज़ेनी, आपने इनका नाम पहले भी पढ़ा था, ठीक है, जिन्होंने क्या बनाया, यंग इटली करके ग्रुप बनाए थे जो पार्ट वन में हमने पढ़ा था। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे क्या किया, यंग इटली करके ग्रुप बनाया, ठीक है, और फिर इन्होंने रिवोल्ट किया 1831 है ये, सॉरी यहाँ गलती से मिस्टेक है, तो 1831 है ये और 1848 इनमें इन्होंने रिवोल्ट किए थे, लेकिन ये फेल हो गए, ठीक है, ये रिवोल्ट फेल हो गए। उसके बाद जो राजा था वहाँ का, ये वाला इटालियन प्रिंसली हाउस के जो राजा थे, अब उन्हें अपना रोल प्ले करना था, कैसे? अब इनका जो रिवोल्ट था, यानी कि जो लोगों ने रिवोल्ट किया वो तो फेल हो गया, तो इटली अब प्रिंसली स्टेट हाउस को ही तो अपना रोल प्ले करना है पूरी इटली को यूनिफाई करने के लिए। तो किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ने क्या किया कि रोल प्ले किया, और उन्होंने क्या किया फिर वॉर वगैरह ये सारी चीज़ें देखने लगे। लेकिन अब वॉर है, अब ये छोटा सा इलाका है और ये इतने सारे लोगों को कॉन्कर करना है तो कैसे करते? तो फिर क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर कैवियर जो थे, इन्होंने एक आइडिया दिया कि आप किसके साथ गठबंधन कर लो, आप अपनी जो मतलब आप अपनी बॉन्ड बना लो फ्रांस के साथ, ठीक है। तो 1850 में क्या किया, इटालियन प्रिंसली हाउस ने फ्रांस के साथ बॉन्ड बनाया और फिर इन सबको हराया। इन सबको हराने के बाद 1861 में जो इटली थी वो यूनाइटेड हो गई, और मेन जो ये जो गैरिबाल्डी थे, गैरिबाल्डी एक तरह के कौन थे, ये भी इटालियन रिवॉल्यूशनिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, जो कि मेज़िनी से मिले थे। कब मिले थे मेज़िनी से? ये मिले थे 1833 में। इनका जन्म इटली में ही हुआ था, ठीक है। जो इनके परिवार वाले लोग थे वो व्यापार करते थे कोस्टल एरिया में, ठीक है। इन्होंने अलग अलग जगह जगह बहुत सारा काम किया, जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसमें मिलेगा, अभी देखते हैं हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा इटली का यूनिफिकेशन हो गया, कैसे? सात पार्ट में डिवाइडेड था, उनका जो राजा था उसके पास सिर्फ एक एरिया था, उसने फिर फ्रांस के साथ गठबंधन किया और लड़ाई लड़ी, लड़ाई करी और जीत गए, ठीक है। और उसके बाद सब कुछ मतलब इनका ठीक ठीक हो गया इटली वालों का, ठीक है। ये वाली देखो, ये वाली जो फोटो है ओटो वन बिस्मार्क, इन्होंने ये कौन थे, ये ओटो वन बिस्मार्क जो हमने पढ़ा था जर्मन में, ठीक है, ये फोटो इन्होंने बाद में दे रखी है, लेकिन ये जो जर्मन वाला यूनिफिकेशन था जिसमें प्रशा की आर्मी ने जो पूरा लीड किया था, ठीक है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था ये ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है। तो ये जर्मन की उस वाली पार्लियामेंट में खड़े हैं, ठीक है, और दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो रूल करते थे, एक तरह से दिखाया है कि उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब हम इटली की बात कर रहे थे, अपनी वापस इटली में आ जाते हैं। तो इटली का ये सारा यूनिफिकेशन हो गया। इस फोटो में दिखाया कि कौन थे गैरिबाल्डी, जो कि मर्चेंट नेवी वगैरह इनके परिवार के लोग ये काम करते थे, ये 1833 में मज़िनी से मिले थे, ठीक है। और फिर इन्होंने विक्टर इमैनुअल सेकंड का बहुत ज़्यादा साथ दिया था, मतलब इस राजा का इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। इस फोटो में देखो क्या है कि इमैनुअल सेकंड जो राजा है उसे इटली के नाम का जूता, यानी कि इटली को लेने में किसने मदद, कौन मदद कर रहा है? गैरिबाल्डी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ये फोटो ये दिखा रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक। अब हमने इटली को भी यूनिफाई कर लिया, अब हमारा कौन रह गया? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का नाम तो इतना है, अब ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में क्या हुआ कि बहुत ही लंबे टाइम से क्या चल रहा था, रिवॉल्यूशन चल रहा था, बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था इनका, बहुत बड़ा था, ठीक है। ब्रिटिश वाला जो एरिया था वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना था, एक से लोग नहीं थे, कुछ लोग इंग्लिश थे, यानी कि सिर्फ अब भाषा इंग्लिश ज्यादा प्रमोट होने लगी, लेकिन वहां के एरिया मतलब इंग्लैंड में जो रहते थे उन्हें इंग्लिश कहा जाता था उस टाइम। तो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश ये सारे लोग रहते थे, इनके अपने अपने एथनिक ग्रुप थे, यानी कि अपने अपने कल्चर था इनका। एथनिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिनका अपना कल्चर वगैरह होता है, ठीक है, अपना बैकग्राउंड होता है, अपनी कम्युनिटी होती है, अपने क्लेम ये करते हैं कि हमारा कल्चर ज़्यादा वास्ट है, ये सारी चीज़ें। तो अब इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा पावर थी, तो पहली जो पार्लियामेंट इनकी बनी 1688 तक तो क्या था इनमें? मोनार्की थी मतलब राजा का शासन था। 1688 में इन्होंने क्या कर दिया? उसे हरा दिया और इंग्लिश पार्लियामेंट सेटअप कर दी, ठीक है। इंग्लिश पार्लियामेंट ही क्यों बनी? क्योंकि इंग्लिश लोगों का ज़्यादा दबाव था, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन एक इन्होंने साइन किया और स्कॉटलैंड को अपने अंदर जोड़ लिया। अब देखते हैं इनकी स्टोरी पूरी। हाँ, ब्रिटिश नेशन कैसे बना? सबसे पहले 1688 में एक इंग्लिश पार्लियामेंट बन गई, उसके बाद 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ लिया गया और यूके बन गया, ठीक है। आप जब इसे मैप में देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको खुद देखना है, अभी मैंने दिखा दिया तो फिर आपके अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ के क्या बन गया? यूके बन गया। अब स्कॉटलैंड के लोग क्या थे? उन्हें लगता था कि हमारी अलग भाषा है, अपना हमारा अलग कल्चर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्कॉटलैंड का जो कल्चर था उसे दबाया गया इंग्लिश के लोगों के द्वारा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत उन्हें क्या दे दिए, मतलब थोड़े से उन्हें राइट
भी दिए गए थे कैसे कि वो अपने गैलिक लैंग्वेज बोल सकते थे, वो अपनी नेशनल ड्रेस पहन सकते थे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भाई उन्हें अपने इलाके से जबरदस्ती निकाला गया था, तो आप थोड़े तो उन्हें एडवांटेजेस दोगे, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हमें सप्रेस किया गया है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश के लोगों ने उन पर थोड़ी सी दया दिखा दी, या कह लो कि राइट्स वगैरह इन्हें फिर भी काफी कुछ दे दिए गए थे। बाकी लोगों की हालत तो फिर भी और ज्यादा खराब थी। अब मैंने कहा ना उसमें इंग्लिश लोग थे, स्कॉटिश लोग थे, आयरिश लोग थे। तो जो आयरिश लोग थे इन्होंने अपना रिवोल्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हमें तो नहीं रहना, हमें अलग करो इससे, ठीक है। तो उन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन 1798 में क्या हुआ, उनका रिवोल्ट फेल हो गया, ठीक है। अब उनका रिवोल्ट फेल हो गया, फिर क्या हुआ, कैसे रिवोल्ट फेल हो गया, क्योंकि आयरिश जो लोग थे ना वो भी दो में डिवाइडेड थे, एक तो कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक कौन थे, एक पर्टिकुलर मतलब क्रिश्चियंस की एक तरह की कम्युनिटी थी, जैसे हमारे हिंदू में क्या होता है कि कुछ लोग जैसे शंकर जी को मानते हैं, कुछ विष्णु को मानते हैं, जो कि अलवार और नैनार आपने पढ़े होंगे, ऐसे इनके थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही क्रिश्चियंस है, लेकिन क्रिश्चियन का अलग अलग फॉर्म था। तो जो कैथोलिक लोग थे, ठीक है, उन्हें सप्रेस कर दिया गया प्रोटेस्टेंट द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट को कौन सपोर्ट करता था, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे बाहर के जो लोग थे, यानी कि बाहर के जो बड़ी बड़ी पावर्स थी वो उन्हें सपोर्ट करती थी। इसलिए क्या हुआ कि कैथोलिक हार गया, प्रोटेस्टेंट जीत गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट की हेल्प करी। अब इंग्लिश लोगों ने की प्रोटेस्टेंट ने हेल्प करी, तो उनका जो ये अपना रिवॉल्यूशन था खुद ही आधा रह गया। मतलब बेसिकली आयरिश दो चीज़ों में डिवाइडेड था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट की हेल्प किसने कर दी, इंग्लिश लोगों ने कर दी, तो कैथोलिक अपने आप हार गया। अब तो पूरा जिसने जिसकी हेल्प करी वो तो उसके अंडर जाना ही था। तो फिर क्या हुआ, आयरिश लोग भी यूके में मिक्स हो गए, और जब आयरिश लोग यूके में मिक्स हो गए तब क्या बन गया, वो एक ब्रिटिश नेशन बन गया। तो इस तरह से जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन आज के टाइम पे है वो बन गया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमारी स्टार्ट होती है, वो क्या है, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब हमें नेशन को विजुअलाइज करना है। आपने देखा होगा कि हम राजाओं महाराजाओं की तो बहुत ज़्यादा अच्छे से तस्वीर बना देते हैं, क्या नेशन की भी तस्वीर बनाई जा सकती है? लेकिन ऐसा टाइम आया जब नेशन की तस्वीर बननी शुरू हो गई, ठीक है। इसे क्या किया, एलगोरी। एलगोरी क्या होता है कि जब किसी एक चीज़ का मतलब दो में, एक तो लिटरल मीनिंग हो यानी कि उसको वर्ड मीनिंग जो होता है, और एक होता है भाव, उसकी फीलिंग्स क्या है। जैसे आप हिंदी में करते हो ना, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, ऐसे होता है, ठीक है। या फिर जब आप एक एक वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लिख देते हो, एक इससे कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, नेशन की अपनी खुद की एक इमेज बनाने लगे लोग, जिससे लोगों को उसके प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटिव, बहुत ज़्यादा प्यार और भक्ति वाली भावनाएं लाई जा सके। जैसे आपने देखा लिबर्टी का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हमने स्टार्टिंग वाली जो फोटो देखी थी, एक फीमेल को बनाया गया था ना, वही चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी। कि जैसे लिबर्टी का सिंबल क्या था, कि रेड कैप और ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब क्या था, कि आप फ्री हो चुके हो, आपको लिबर्टी मिल चुकी है। जस्टिस को फीमेल वर्जन में ज़्यादातर उन्होंने दिखाया गया कि आँखों पर पट्टी बंध रही है और हाथ में क्या है, तराजू है, वेइंग स्केल है, जो कि हमारे देश की भी सुप्रीम कोर्ट पहने लगती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का सिंबल है ऐसा, कि लेडी आँखों पर पट्टी है और हाथ में तराजू है, यानी कि उसके सामने सब इक्वल है और वो सब कुछ नाप तोल के ही आंसर देगी। तो इस तरह से लोगों ने क्या हुआ, फीमेल की ज़्यादातर फीचर्स को क्या करा, बहुत ज़्यादा इमेजिफाई कर दिया, ठीक है। अब ये कर दिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से फ्रांस को एक मैरिन लड़की के फॉर्म में दिखाया। मैरिन जो था क्रिश्चियन मैरिन, बहुत ही कॉमन नाम है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन नाम है किसका, फ्रांस के लोगों का। उन्होंने क्या किया, उसे अपना क्या बना दिया, अपना सिंबल बना दिया, ठीक है। उसको क्या कह दिया, रेड कलर, रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेट। कॉकेट एक रिबन है, रिबन जो हेड पे यूज़ होता है, जो कि एक सिंबल सिंबल की तरह यूज़ होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और धीरे धीरे ये जो मैराइन वाली फोटो है, ये देखो, ये स्टैम्प पे, ये स्टैम्प पे, कॉइन्स पे, इन सब पे छपने लगी, और साथ में पब्लिक प्लेसेस पे से छपवाने लगे लोग फ्रांस में, ठीक है। उनके मतलब स्टैचूज बनाने लगे, जिससे लोगों के अंदर क्या हो, एक भक्ति की भावना एक उजागर ये कर सके। जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी की जो लेडी थी उन्हें मतलब जर्मनी के जो स्टैचू बना, या फिर कह लो सिंबल बना, एलगोरी बना, वो जर्मेनिया नाम की, मतलब उसे जर्मेनिया नाम दिया गया। उसके क्राउन पे ओक की लीव्स थी, ठीक है, ट्राई कलर उसके हाथ में पकड़ा दिया गया। ये सारी चीज़ें आप देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, क्या क्या सिंबल, क्या क्या सिंबलाइज करती थी। टूटी हुई चेन का मतलब था कि आप फ्री हो चुके हो, ठीक है। जो ब्रेस्ट प्लेट ईगल है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यहाँ देखो कहाँ है ये वाली फोटो, आप इस वाली फोटो से इस चीज को कंपेयर करना कि क्या क्या दिखाया गया। ब्रोकन चेन जो पड़ी है साइड में, वो फ्रीडम को दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, ये किसे दिखा रही है कि जर्मन एम्पायर फ्री हो चुका है और स्ट्रेंथन हो चुका है, ठीक है। उसकी ओक की जो लीव्स हैं, जो उसके जो ऊपर जो फोटो था लेडी का, उसके जो सर पे है, वो किस चीज़ को दिखा रही है कि हीरोइज्म का, यानी कि बहुत ज़्यादा बहादुर चीज़ें, हीरो वाले काम करने वाली चीज़। स्वॉर्ड जो तलवार है, वो किस काम के लिए, कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं अगर आप लड़ोगे तो। साथ में ऑलिव की कुछ पत्तियां भी, यानी कि हम पीस भी रखेंगे, ठीक है, हम पीस रखने के भी इच्छुक हैं। ब्लैक, रेड और येलो कलर का जो ट्राई कलर है, ठीक है, ये क्या दिखाता है कि अब जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनकी, उनका फ्लैग है 1848
1848 का, जो कि ड्यूक वाले लोगों ने एक बार बैन कर दिया था। जब आपने स्टार्टिंग वाली फोटो नहीं देखी थी कि हमने दिखाया था कि जर्मनी कंट्री भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे रेड ब्लैक और गोल्डन दिखाया गया, यानी कि लिबरल नेशन वाली आइडिया, ठीक है। और ये जो राइज ऑफ सन, यानी कि जो पीछे ये जो सूरज की किरणें उग रही हैं, ये क्या दिखा रहा है कि एक नया एरा शुरू हो चुका है, यानी कि अब हमारा जर्मनी लिबरेट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि धीरे धीरे इन्हें ऐसे बनाया गया। देखो इस वाली फोटो में क्या है कि ये जर्मनी है, ये वही जर्मनी की सिंबल, और ये नील राइन रिवर की रक्षा कर रही है, ठीक है। किसकी रक्षा कर रही है? राइन रिवर की रक्षा कर रही है। तो सिंपल सा अच्छा सा ये है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। अब नेशनलिज्म तो हो गया, सबने अपने अपने नेशन बना लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने दूसरे देशों को भी हत्याना शुरू कर दिया, साम्राज्यवाद आ गया था, यानी कि दूसरे साम्राज्य को लेना शुरू कर दिया था। अब ज़्यादातर जो यूरोपीय नेशन थे वो तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन एक इलाका था बाल्कन का, ठीक है। ये जो बाल्कन वाला इलाका था, इसमें बहुत सारे देश आते थे अभी भी, ठीक है। और ये एरिया जो था, इसमें बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बहुत सारे तरह के लोग थे, ठीक है। अब देखेंगे इसे, ये वाला एरिया, इसमें कौन कौन आता था, रोमानिया, आप इस मैप को देखो, ये वाला एरिया बाल्कन का था, इसमें कौन कौन है, रोमानिया वाला इलाका है, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया, हर्जेगोविनिया, सोल्वेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो। तो मैं इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आप देख लो कि ये कौन सा इलाका है। ये सारे जो एरिया थे ये बाल्कन्स का इलाका था। बाल्कन्स के इलाके में क्या था, स्पेशल चीज़ क्या थी, यहाँ का थोड़ा सा साम्राज्य किसके अंदर था, ओटोमन साम्राज्य के अंदर था, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य ने कोशिश करी कि हम रिफॉर्म्स लाएं, लोगों को थोड़ा लिबरल करें, जिससे ये लोग प्रॉपर रिवोल्ट ना करना चाहें, लेकिन थोड़ा सा हमारे अंडर रहें, ठीक है। लेकिन ओटोमन साम्राज्य ने जो भी कोशिश करी सब तबाह हो गई, सब व्यर्थ रही। क्यों? क्योंकि इनके इन लोगों के अंदर भी क्या फीलिंग आ गई थी, भाई हमें भी अब फ्री करो, ठीक है। अब इनके अंदर ये फ्री वाली भावना आ गई थी। तो अब इनके साथ दिक्कत क्या हुई कि जो बाकी बड़े बड़े कंट्रीज अब तक फ्री हो चुकी थी ना, ये जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इन लोगों ने क्या किया कि हमें एरिया दो, हमें एरिया दो, इसको हम लीड करेंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो गया बड़ी बड़ी पावर्स का, और जहाँ ये कॉम्पिटिशन हुआ और इस एरिया की वजह से क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इतिहास का पहला विश्व युद्ध, यानी कि पूरे विश्व में युद्ध हो जाए, इस तरह वाली सिचुएशन आ गई इस एरिया की वजह से, इस एरिया के फ्रीडम की वजह से। क्योंकि जो जितनी भी बड़ी पावर्स थी वो इस एरिया को लेना चाहती थी, अपना हत्या अपना वो जमा रही थी कि हमें चाहिए ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब इस टाइम तक ब्रिटेन की जो बाकी पावर्स थी, इन्होंने क्या किया था, कॉलोनीज बनाने लगी थी ना। अब देखो कौन सा सन चल रहा है, 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। और हमारे इंडिया में भी हम जानते हैं 1857 में ही क्या होने लगा था कि अब हमें स्वतंत्र हो, ये वाले स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए थे। तो 1914 तक तो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे आ गया था। अब पहला वर्ल्ड वॉर हो गया, तो ये बड़ी बड़ी किसमें वॉर में उलझ गए। धीरे धीरे बाकी सारे नेशंस ने भी क्या किया, भाई हमें नेशनल सबके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई कि हमारा भी स्टेट नेशन बनाओ। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया था, कॉलोनीज बनाने लगा था ना। ब्रिटेन कॉलोनीज क्या होती है, दूसरे एरिया को हड़प लेना। तो जैसे ब्रिटिश लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी, तो उसने भारत को कॉलोनी बनाया था अपनी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हुई थी। तो अलग अलग नेशंस में भी अब वही स्टेट नेशन की फीलिंग्स आ गई, लेकिन स्पेशल चीज़ क्या थी, सबके लिए अपना नेशनलिज्म अलग था। थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ लोग उसे अपनाते थे, एज इट इज़ लोग उसे नहीं अपनाते थे। तो 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके दौरान ही लोगों के अंदर फिर से नेशनलिज्म और की भावना आ गई। किसकी वजह से? वही इंपीरियलिज्म की वजह से। इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, जो दूसरों पे हड़पते थे। अब जब कोई दूसरा हमें सामने से दुश्मनी लेने को आएगा, तो भाई हम लोग तो एकजुट होंगे ही ना। और दूसरे देशों का एकजुट होना क्या था, वही नेशनलिज्म की भावना थी। अब इस फोटो को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो है। क्या दिखाया गया, इसमें वो एरियाज हैं जो थोड़े ऑरेंज शेड गए, जिसमें इन्होंने कॉलोनीज बनानी थी। देखो इंडिया भी आ रहा है पूरा, साउथ एशिया वाला एरिया पूरा आ रहा है, अफ्रीका, अमेरिका वाला एरिया भी, ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया भी। इसमें देखो ऊपर क्या है, ऊपर से एंजल्स क्या कह रहे हैं कि फ्रीडम, फ्रीडम की क्या हुई, एंजल्स फ्रीडम का मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या, ये जो ब्रिटिश एम्पायर ग्लोब पे बैठा है, यानी कि अब हम इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, हम पूरे ग्लोब पे बैठे हैं। और साथ में ये जो आदिवासी लोग हैं, जानवर हैं, इनसे क्या दिखाए गए हैं, कॉलोनाइज कंट्री, छोटी छोटी छोटे छोटे देशों को दिखाया गया है जिन पे इन्होंने कब्जा किया था। तो इस मैप के जरिए, इस फोटो के जरिए ये दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर क्या सेलिब्रेट कर रहा है, पूरी दुनिया पर अपना कब्जा सेलिब्रेट कर रहा है। तो इस तरह से पूरा जो यूरोप था वो इकट्ठा हुआ, नेशनलिज्म आया, उसके अंदर स्टेट नेशन बना, ठीक है। और लास्ट ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, बल्कि इसके तो बहुत ही सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर देना है वो है कि वुमेन्स का क्या रोल था नेशनलिस्ट स्ट्रगल में, द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। आपको इसका शॉर्ट नोट कमेंट बॉक्स में देना है। जब 15 कमेंट्स हो जाएंगे उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, या फिर जो भी आपकी डिमांड होगी किसी और सब्जेक्ट की, ठीक है। फिलहाल के लिए कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी बाय बाय।